नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान, आज से एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। 21 अप्रैल को फिल्म रिलीज हो रही है। अब किस प्रकार का ये कलेक्शन करने वाली है, किस प्रकार की एडवांस बुकिंग इसको अब तक प्राप्त हुई है, इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल रात को कुछ शोज में, कई बड़े बड़े शहरों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। कुछ शोज खुले हैं, ज्यादातर शोज नहीं खुले अभी। मुंबई में भी गेटी गैलेक्सी में शोज खुले हैं, इसके अलावा मराठा मंदिर में भी शौच खुले हैं और भी कई जगह शौच खुले हैं। इसके अलावा पुणे अहमदाबाद से भी कुछ शौच ओपन होने की रिपोर्ट्स आई है और देश के अन्य शहरों से भी, मतलब कि ये कुछ शौच ओपन हुए हैं। विदेशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले शुरू हो चुकी थी और वहां से गल्फ कंट्रीज, यूके, यूएसए, यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स फिल्म को मिला है। फिगर अभी नहीं आया है कि कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिल रहा है। अब रही बात मुंबई की, तो आपको बता दूं गेटी गैलेक्सी में तो फिलहाल फिल्म को काफी अच्छा शोज मिला है, काफी अच्छे मतलब शोज मिलने वाले हैं। टोटल 4000 स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज हो रही है केवल भारत में। तो जहां तक कुछ शोज की रिपोर्ट मैंने देखी है गेटी गैलेक्सी की, तो वो फास्ट फिलिंग है, काफी तेजी से भरे जा रहे हैं। एक दो शोज तो हाउसफुल भी हो चुके हैं, ये बता दूं मैं आपको। और दोस्तों, चूंकि पहला शो 12:30 बजे का रखा गया है फिलहाल, हो सकता है सुबह 9:30 बजे का शो भी दिया जाए। फिल्म को क्रेज देखते हुए सलमान खान के प्रशंसक है, वो डेफिनेटली फिल्म को सेलिब्रेट करेंगे और फर्स्ट डे फर्स्ट शो डेफिनेटली कई जगह हाउसफुल जाने वाले है। बाद में फिल्म पे डिपेंड करेगा, वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा। हालांकि आपको बता दूं कि फिल्म वीरम की रीमेक है जो 2014 में आई थी, जिसमें अजीत कुमार तथा तमन्ना प्रमुख भूमिका में थी। इसके अलावा दोस्तों, एक फिल्म और आई थी तेलुगु में, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, और एक उसके बाद में इसी सब्जेक्ट पर एक फिल्म कन्नड़ा में भी बनाई गई थी। तो कई फिल्में इस विषय पर बनाई जा चुकी है, लेकिन चूंकि एक सलमान खान की मूवी है और सलमान खान की फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, गाने फिल्म के हिट हो चुके हैं और कुल मिलाकर के फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग लग रही है, फैमिली एंटरटेनिंग मूवी लग रही है। तो फिल्म कम से कम सलमान खान के प्रशंसक तो इस फिल्म को डेफिनेटली सेलिब्रेट करने वाले हैं। 4 साल बाद में वे ईद के ऊपर कोई फिल्म लेके आ रहे, इससे पहले भारत फिल्म लेके वो आए थे, ईद पे काफ़ी अच्छी ओपनिंग ली थी भारत फिल्म ने। तो इससे भी उम्मीदें की जा रही है कि काफी अच्छी ओपनिंग ये फिल्म ले सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा एडवांस बुकिंग पर। तो एडवांस बुकिंग आज से ऑफिशियली शुरू हो जाएगी, तो फुल फ्लैश जो इसकी एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट आने वाली है वो शाम तक आ पाएगी। तब मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बना करके रिपोर्ट दे पाऊँ। फिलहाल जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें गेटी गैलेक्सी का सबसे ज्यादा मेंशन करना मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और फर्स्ट फिलिंग शोज जा रहे हैं और फर्स्ट डे फर्स्ट फर्स्ट शो तो डेफिनेटली हाउसफुल होने वाला है, और हो सकता है 9:30 बजे वाला शो भी वहाँ पे शुरू कर दिया जाए। और जहां तक बुक माई शो की बात करें, तो बुक माई शो पर इसके करीब 90K इंटरेस्ट हो गया है जिस समय मैंने ये वीडियो बनाया था, तो डेफिनेटली 100K को ये क्रॉस करेगी इंटरेस्ट के मामले में। और बजट की बात करें तो 100 से 120 करोड़ रुपए का इसका बजट बताया जा रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार का परफॉर्म ये फिल्म करती है। सलमान खान की फिल्म है, शाहरुख खान की पठान की तरह तो परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगता है कि फिर भी फिल्म अच्छी ओपनिंग लेगी। फिलहाल जो इसका प्रेडिक्शन आ रहा है बॉक्स ऑफिस का फर्स्ट डे का, वो करीब 15 से 20 करोड़ रुपए के बिटवीन आ रहा है। और अगले दिन मतलब 22 तारीख को ये फिल्म इससे ज़्यादा बड़ी ओपनिंग लेगी, क्योंकि उस दिन ईद के बाद का दिन होगा, तो डेफिनेटली लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोग, वो काफ़ी बड़ी संख्या में फिल्म देखने जा सकते हैं। फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।